नई दिल्ली काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और काउंटिंग सेंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग आप देखेंगे। सबसे पहले काउंटिंग सेंटर का जो मेन गेट है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। मेटल डिटेक्टर से लेकर जो अंदर आने वाले तमाम जो सामान है उसको स्कैनिंग मशीन के जरिए होकर गुजरना पड़ेगा और उसके बाद मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर है। थोड़े कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर से सुरक्षा घेरा यहाँ पर है। जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं वो अपने फ़ोन यहाँ तक कि घड़ी को भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं, सब कुछ बाहर जमा करना पड़ेगा। और आप देखेंगे प्रॉपर चेकिंग के साथ जो एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन सबको अंदर जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। नई दिल्ली काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जगह जगह आपको दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आ जाएंगे। और इसी तरीके की तस्वीर जो सामने आप स्ट्रांग रूम देख रहे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी से बांसुरी स्वराज उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती उम्मीदवार है। और किसी भी तरीके की गैदरिंग यहाँ पर ना हो, लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, जिसको देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए। अंदर किस तरीके की तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, काउंटिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर बैठेंगे और हर जो चरण की जो एक तरीके से मतगणना होगी उसको यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि बड़ी जो स्क्रीन अंदर लगाई गई है, जो भी नंबर्स होंगे उसको इस स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग अब पूरी कर ली गई है। और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन, जो कि AC 38 आप देखेंगे दिल्ली कैंट का जो सेक्शन है उसका अलग यहाँ पर बनाया गया है। और हर सेक्शन में कुछ इस तरीके के लॉकर्स भी बनाए गए हैं, जो भी एजेंट्स होंगे वो अपने लॉकर के अंदर अपने जो सामान है वो यहाँ पर साफ तौर पर रख सकते हैं। तो पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी तरीके का क्योस इकट्ठा ना हो, उसको देखते हुए ये तमाम जो इंतज़ाम है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर किए गए हैं। आप देखेंगे कि AC 42 कस्तूरबा नगर का जो पूरा वार्ड है उसके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर होंगे। तो लगभग पूरी तैयारी सुरक्षा घेरे के बीच में, किसी भी तरीके का भीड़भाड़ यहाँ पर ना हो, पारदर्शिता बनी रहे, टकराव ना हो, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो काउंटिंग सेंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक डिप्लॉय किए गए हैं। विजय सलील के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। नई दिल्ली काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और काउंटिंग सेंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग आप देखेंगे। सबसे पहले काउंटिंग सेंटर का जो मेन गेट है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। मेटल डिटेक्टर से लेकर जो अंदर आने वाले तमाम जो सामान है उसको स्कैनिंग मशीन के जरिए होकर गुजरना पड़ेगा और उसके बाद मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर है। थोड़े कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर से सुरक्षा घेरा यहाँ पर है। जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं वो अपने फोन यहाँ तक की घड़ी को भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं, सब कुछ बाहर जमा करना पड़ेगा। और आप देखेंगे प्रॉपर चेकिंग के साथ जो एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन सबको अंदर जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। नई दिल्ली काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जगह जगह आपको दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आ जाएंगे। और इसी तरीके की तस्वीर जो सामने आप स्ट्रांग रूम देख रहे हैं वहां पर भी इसी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी से बांसुरी स्वराज उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती उम्मीदवार है। और किसी भी तरीके की गैदरिंग यहाँ पर ना हो, लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, जिसको देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए। अंदर किस तरीके की तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, काउंटिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर बैठेंगे और हर जो चरण की जो एक तरीके से मतगणना होगी उसको यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि बड़ी जो स्क्रीन अंदर लगाई गई है, जो भी नंबर्स होंगे उसको इस स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग अब पूरी कर ली गई है। और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन, जो कि AC 38 आप देखेंगे दिल्ली कैंट का जो सेक्शन है उसका अलग यहाँ पर बनाया गया है। और हर सेक्शन में कुछ इस तरीके के लॉकर्स भी बनाए गए हैं, जो भी एजेंट्स होंगे वो अपने लॉकर के अंदर अपने जो सामान है वो यहाँ पर साफ तौर पर रख सकते हैं। तो पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी तरीके का क्योस इकट्ठा ना हो, उसको देखते हुए ये तमाम जो इंतजाम है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर किए गए हैं। आप देखेंगे कि AC 42 कस्तूरबा नगर का जो पूरा वार्ड है उसके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर होंगे। तो लगभग पूरी तैयारी सुरक्षा घेरे के बीच में, किसी भी तरीके का भीड़भाड़ यहाँ पर ना हो, पारदर्शिता बनी रहे, टकराव ना हो, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो काउंटिंग सेंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक डिप्लॉय किए गए हैं। विजय सलील के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।